गुड मॉर्निंग क्लास 12, वेलकम एलपीसीएस ऑनलाइन क्लास सेकंड ग्रुप स्टार्स फ्रॉम विच लेसन 7 यूवास चाइस एंड ओलिवर इज रनिंग नाउ ऑडियंस स्टडी आई एक्सप्लेन अप टू हियर At 8:30 p.m. on Monday 7th June, Ivan's servant teacher shook him by head with a heavy guarded recreational block just across from TV's. 7th June ki baat hai, Monday ko 8:30 p.m. इस शाम को ही जर्मन यूवांस के लिए जो जर्मन टीचर सेट किया गया था वो टीचर ने उसको रिक्रेशनल ब्लॉक में ले गया, वहां पर हिलाया जाकर के, और वो ब्लॉक डी बी के ठीक सामने था। गटिन Glee her Evans. It means gotten it is good luck. मैंने बोला पहली बात की पढ़ा क्षमा करना माफ करना गुड लक है प्लीज गुड लक फॉर यू टुमारो कल आपके लिए गुड लक हो आपका और उस टीचर ने और भी बातें बोली आई शेड गुड लक फॉर टुमारो प्लीज ओ थैंक्स मेरा मतलब डंकी शोन यू हैवंट तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है अ कैट इनहेरिट्स चांस ऑफ गेटिंग थ्रू मींस यू हैव नो सॉल्यूशन नो वे नो चांस टू एस्केप फ्रॉम इस हाल से बचकर निकलने की तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है अफकोर्स मैं आई माइंड सरप्राइज एवरीबॉडी ही वांस रिप्लाइड दैट आई या मैं लिखा है मीन्स आई मे सरप्राइज एवरीबॉडी हर किसी को सरप्राइज कर सकता हूं हर किसी को हैरत में डाल सकता हूं गटन ग्लव है ये जर्मन वर्ड है जो गटन ग्लव बोल रहे हैं ये जर्मन वर्ड है एट 8:30 फॉलोइंग मॉर्निंग वंस हैड अ विजिटर 8:30 पर सुबह सुबह की बात है इवांस के पास एक विजिटर था मिस अ गेस्ट एन अराइवल केम टू हिम एक बाहरी व्यक्ति के पास आया सुबह सुबह टू विजिटर्स इन फैक्ट अर्ली सुबह इवांस पास एक गेस्ट आया था एंड टू अदर विजिटर्स दो और भी अधिक थे वास्तव में और अपनी ग्रेवी स्ट्रिंग वेस्ट इनटू हिज इक्वली ग्रेवी ट्राउजर्स एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक स्माइलिंग चेयरफुली मॉर्निंग फुल फॉर्म मॉर्निंग होगा मिस्टर जैक्सन दिस इज इंडीड एंड आवर उसने क्या किया व्हाट डिड ही डू वाला और ग्रेविस्टिंग वेस्ट मतलब अपना बनियान जो था वेरी डर्टी बनियान था उसकी पैंट भी इन कर रखी थी उसको ट्राउजर्स उठ खड़ा हो गया फ्रॉम हिज बंक बंक मीन्स गोल्डन स्ट्रिप सोने की पटरी से उस पर सोए तस्पे से वो खड़ा हो गया
I smiled. Mr. Kratabi very cheerfully, very gladly said, good morning, Jackson. Mr. Jackson, good morning. Saying so, he paid his respect. Usne respect pe kiya. Jackson was a senior reserve officer on DBs. अब जैक्सन जो था जैक्सन डीबिंग थे को सीनियर रिजर्व ऑफिसर थे उस डी बिग पर वह और इवांस के पास एक्चुअली ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वॉर एनिमीज दोनों दूसरे की एनिमीज बन चुके थे शत्रु बन चुके थे मीन्स वो कड़ी व्यवस्था दे रहे थे और इवांस अपनी बचने की राह तलाश लिया था और जैसा साइड जुट और जैसे के साइड पर ऑफिसर स्टीफन भी खड़े थे दो चीज एक तो उधर आया उसके पास मिले वंस और दो मिस्टर और थे दर जैक्सन रीजन ऑफिसर मैंने बताया और दूसरे भी एक प्रिजन ऑफिसर थे स्टीफन उनका नाम स्टीफन था स्टीफन से वो खड़े थे यही दो लोग वहां पर रूम में आते हैं वनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन जैक्सन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डीविंग्स ही आई वाज ऑलरेडी बिकम वॉर मेमोरीज बता चुके जैक्सन के साइड में खड़ा और स्टीफन था बर्ली बहुत ही बोल्ड पर्सन था श्योरली लुकिंग मैन ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन रूड पर्सन कह लो उसको रूड दिखता हुआ मोटा फैट मैन रूड दिखता हुआ भी थी एडमिटेड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द हॉल जैसे नोटेड करंटली हाउ इज आवर एटेड आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन जैक्सन ने बोला वेरी स्लोली बहुत धीरे से अपने सिर को लाया आज मॉर्निंग की बात थी मेरा तो आइंस्टाइन है हाउ इज ही वह कैसा है जैक्सन क्या वह कोई मैथमेटिशियन नहीं कोई गणितज्ञ नहीं ही वॉज अ ब्लडी Jackson remains quiet, was always read at him, and he once presented insight into his own vast ignorance, riled him even more. I think was a Jew, Mr. Jackson. Jackson said, he was a ब्लडी क्राउड है अ टाइप ऑफ एवेजिंग वर्ड एक प्रकार का ये एवेजिंग वर्ड है मीन्स गाली देने वाला शब्द इवांस बिकेम एंग्री दैट वर्ड मेड इवांस एंग्री ऑलरेडी इवांस वाज वेरी एंग्री वाय मिस्टर एक्सेल बोलता है जैक्सन अकॉर्डिंग आई न्यूज ही वॉज ज्यू ज्यू इज अ कास्ट रिलीजन यहूदी धर्म होता है यहूदी धर्म के मानने वाला ही गॉट रिप्लाइड देयर इज नो मैटर ऑफ इट सब कोई मैटर नहीं है ही वॉज फेस वॉज आल्सो वेल एंड ही वोर अ फिल्थी लुकिंग red and white bubble had upon his head. He wants Jutha. He wants ka chehra unsingled tha. Mr. Sri Shaving bhi kar raha tha. He wants him. Aur woh filthy looking red and white bubble. Woh pehna hua tha. Bahut filthy bhi dirty. Dirty jitna lal aur safed rang ka हेड पहना हुआ था अपने सिर पर गिबी चार्ल्स वो जैक्सन से रिप
रिक्वेस्ट करता है, मुझे एक चांस दीजिए, आई जस्ट मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मीन्स आई एम जस्ट गोइंग टू से मैं सेविंग करने जा रहा हूँ, मैं वर्स्ट की मैं सेविंग करने जा रहा था। जैसे यू एंटर द रूम, कमरे में आपने प्रवेश कर दिया था। जैक्सन अपनी आंखों को घुमाते हुए स्टीफेंस की तरफ देखता है, प्लीज कुछ इवेंट्स भी, और जब देखता है तो मुझे याद आता है जैक्सन, हाँ मेक श्योर यू टेक हिज नजर आउट ऑफ द सेल, मेक श्योर पे अटेंशन, ध्यान देना। उससे शेयरिंग करने की बात की तो जैक्सन स्टीफेंस की तरफ देखते हुए सर्विसन देता है, पेटेंसन जो अपनी शेविंग कर लेगा उसका रेजर बाहर कर देगा, आउट ऑफ द सेल, जेल से बाहर। वन ऑफ दिस डेज ही विल डू अस ऑल फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रॉट, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड पोजीशन में है और ही मे बी ही मे कट हिज थ्रॉट, गला भी था कट, वो अपना ही गला काटने वाला तो इसलिए मर्डर हो जाएगा, सुसाइड हो जाएगा। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉन्स लुक थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग रैम्रॉड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, कुछ ही सेकेंड के लिए ही वॉन्स जो है सोचता है, देखा थॉटफुली उस व्यक्ति को देखा, ही वॉन्स जो खड़ा था रैम्रॉड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ, ठीक है उसके सामने जो खड़ा था रॉड की तरह से, रॉड की तरह था, उसको उसने देखा और वो प्रिजन ऑफिसर जो था जैक्सन की बात करी, उसको उसने देखा था जिसने वार्न किया कि इसका रेजर सेल से बाहर करवा देना, दिवास उसको देखता है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था उसमें वो विनर था, उसका मेडल्स प्राउडली पैरेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट के ऊपर सजा हुआ था, इसके ऊपर जैक्सन के ब्रेस्ट पर उसकी जेब पर वो मेडल लगा हुआ था जो मेडल्स मिली हुई थी उस वार में। मिस्टर जैक्सन वॉज इट यू, क्या क्या भी थी, इट यू हु टुक माय नेम सिजस अवे, आप ही थे, उसने कहा। मिस जैक्सन आप ही थे, जैसे आपने रेजर हटाने की बात की तो आपने मेरे उस सीजर को लिया था, नेल काटने सीजर को, यू आर दैट पर्सन who had taken my lecture, he was said always worried, वो हमेशा अपने हाथों के बारे में चिंतित रहा करता था। Look, your name five two, आपका जो नेल है नाखून है, देखिए वो नेल फाइल है, घिसा हुआ जिस टाइप इंस्ट्रूमेंट वेपर, देखो फॉर मोमेंट की बॉस साइज स्मॉल्डर डेंजरसली बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम, फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए इवांस की आंखें, वैसा होता उसकी आंखें मिस्टी बिकी मोर एंग्री, वो और भी नाराज हो जाता है, वेरी डेंजरसली ही मूव्ड हिज आईज, अपनी आंखों को घुमाता है खतरनाक तरीके से, आई एम मर्डरर्स आईज, हिज वाइज उसकी आवाज, किसकी आवाज, हिमांश की आवाज, हिमांश की आवाज, लेकिन है क्या जैक्सन वॉज रेडी फॉर इमरजेंसी, वो तैयार था उसके लिए, ठीक है। ऑर्डर फॉर गवर्नर इवांस, इवांस ऑफिसर ने कहा, गवर्नर ऑर्डर आ गया,
गवर्नर का ऑर्डर आदेश है और फिर उच्चू का आगे की तरफ लीड लीड मीन्स तिरछी निगाहों से देखना, देखा उसकी आवाज ड्रॉपिंग धीमी पर भी डर पड़ गई। कंटेंटस विस्पर वांट टू कंप्लेन, ही विस्पर समथिंग इन कंप्लेनिंग वे, वुड यू हैव एनी कंप्लेन, क्या कोई शिकायत है। ही वॉज द फ्रेंड दैट एनी टाइप ऑफ डेंजरस हैज बीन ओवर, खत्म हो चुका, जो भी क्राइसिस था, जो भी डेंजर था वो समाप्त हो गया, कोई खतरा नहीं है। यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्पॉटेड योर सेल्फ अप, आप आधे घंटे पा सकते हो बात करने के लिए। इवांस एंड टेक दैट ब्लडी हेड ऑफ मी एंड हाँ, इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्थी वुडन एंड स्माइल्ड सैडली, डिड यू नो रिजेक्शन, इट इज द ओनली थिंग दैट इवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट्स लक इन लाइफ, कैट्स ओन रिस्की चार्म इफ यू नो व्हाट आई मीन, एंड टुडे आई थॉट वेल विथ द एग्जाम एंड ऑल दैट। श्री बोला आधे घंटे हैं, यू कैन इम्प्रूव योर शेल्फ, अपने आप को सही कर सकते हो, सुधार सकते हो। प्लीज इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक ऑफ योर डर्टी हैंड, अपनी डर्टी हैंड को उतार सकते हो। उसी का हेड, हेड की बात कर रहे हैं। इवांस हेड उतारता है और उसको आया, बट वेरी ग्लूमी कंडीशन। डू यू नो पीवी का क्या जान पी जैक्सन, वुड यू नो मिशेल जैक्सन, वन थिंग यही एक मांग, दिस ओनली वन थिंग फॉर मी, मेरे लिए एक चीज है जो मेरे लिए लकी रहा मेरे लाइफ में, दिस इज अ टाइप ऑफ टाइप और लिस्सी चौल, ये मेरे लिए एक प्रकार का ताबीज है। परहैप्स यू वुड हैव अंडरस्टूड वेरी वेल मींस ऑफ माय सेंटेंस, इट्स ओके नाउ, प्लीज टेक माय एग्जाम, दैट्स ऑल राइट, थैंक्स।